92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। राजेश खन्ना ने अपने प्रोफेशनल करियर में जो उरूज देखा, जो मुकाम देखा, बहुत कम लोगों ने उन ऊंचाइयों को छुआ है। जब आदमी कामयाब होता है तो ऑफर्स की भरमार होती है। इन्हीं दिनों सावन कुमार टाक जी ने एक स्क्रिप्ट तैयार की और राजेश खन्ना से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक फिल्म करें। राजेश खन्ना ने कहा जरूर करेंगे, लेकिन अभी डायरी में कोई डेट नहीं है, डायरी खाली नहीं है। 80 के शुरुआती दौर में काका जी की फिल्में ठीक नहीं चली, धर्मकांटा, राजपूत, दिल नादा, शांति, 50-50, बंदेश वगैरह वगैरह फिल्में फ्लॉप हुई। तो जब आदमी फ्लॉप होता है तो घर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ ग्रेट सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुआ। ऐसे में उन्हें सावन कुमार की याद आई। उन्होंने फोन किया, कहा सावन मेरी डायरी में डेट खाली है, बता कब करनी है फिल्म। सावन कुमार फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम करने लगे। सौतन, उन्होंने राजेश खन्ना से मुलाकात की, कहानी सुनाई और कहा बल्क में डेट्स चाहिए। काका जी ने कहा जितनी चाहिए ले ले डेट्स। फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म बनी और जब रिलीज का वक्त आया तो रिलीज से 2 दिन पहले राजेश खन्ना ने अचानक एक रात सावन कुमार को घर बुलाया और कहा कि सावन इस फिल्म का क्लाइमेक्स बदलना पड़ेगा, मैंने देख लिया है। ये फिल्म मैंने कुछ खास लोगों को दिखाई थी ट्रायल के अंदर, उनका कहना है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में राजेश खन्ना मर जाता है, ये मौत लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्लाइमेक्स चेंज कर दो। सावन जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा काका जी अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ओवरसीज की डिलीवरी हो चुकी है, 2 दिन में फिल्म का प्रीमियर होना है। राजेश खन्ना भड़क गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिल्म के प्रीमियर पे आऊंगा ही नहीं, तुम्हें जो कुछ करना है करो। सावन कुमार ने देखा कि काका गुस्से में हैं, बहुत मनाने की कोशिश की, माने नहीं, अपने आप को और अपनी फिल्म को ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़कर वो वहां से चले आए। फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में होना था, 1 दिन निकल गया। सावन जी के पास काका जी का कोई फोन नहीं आया। 2रा दिन निकल गया, सावन जी के पास तब भी काका जी का कोई फोन नहीं आया। अब सावन जी को हो गई टेंशन। तभी शाम को फोन आया, सावन मैं भी दिल्ली चल रहा हूं। सब दिल्ली पहुंचे मगर पता नहीं प्रीमियर वाले दिन काका जी को सडनली क्या हुआ कि अचानक बोले सावन तुम चले जाओ, मैं यहीं होटल में तुम्हारा वेट करूंगा। मूड फिर बदल गया। इस फिल्म से पहले इतनी सारी फिल्म फ्लॉप हो जाने के कारण उन्हें डर था कि कहीं ये फिल्म भी फ्लॉप नहीं हो जाए, जैसे हौका डर बैठ जाता है ना, इसलिए उन्होंने पहले तो मन बना लिया था मगर शो के वक्त अचानक तैयार होकर वो नर्वस हो गए, होटल की सीढ़ियों से उतर दे दिखे और साथ में चल दिए। वहां पहुंचने से पहले जब उनकी गाड़ी एक पुल से होकर गुजरी तो देखा फैंस खड़े हुए, भीड़ खड़ी उन और हाथ हिला रहे हैं, खा राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। अब इस बात से हौसला बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। फिल्म हॉल में जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो लोगों की तालियां, उनका उत्साह, उनकी वाहवाही सुनकर वो इतने खुश हो गए कि इंटरवल होते ही भागकर स्टेज पर गए और उसी फिल्म का एक डायलॉग बोल डाला, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। पब्लिक डायलॉग सुनकर पागल हो गई। बड़े मुश्किल से भीड़ से बचाकर उन्हें वहां से रवाना किया गया। मुश्किल है भीड़ के साथ सिनेमा हॉल में देखना। तब काका जी ने कहा नहीं, मैं पूरी फिल्म बालकनी से देखूंगा। और इंटरवल के बाद की सारी फिल्म राजेश खन्ना ने बिना पब्लिक को बताए बालकनी में खड़े होकर देखी। दर्शकों के रिस्पॉन्स को देखकर उन्होंने सावन कुमार को गले लगा लिया और इस तरह कई सालों के बाद राजेश खन्ना का हुआ कमबैक। और इसी फिल्म के साथ एक बार फिर छा गया राजेश खन्ना का जादू। कैसे रियल लाइफ में बहनों का रोल करते करते बन गई 2 एक्ट्रेसेस, रियल लाइफ में भी सिस्टर्स। कौन थी ये दोनों, ये जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।